एक हफ्ता तक जो हम लोग नॉनवेज कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आज जो एक हफ्ता कंप्लीट होने वाला है, इसलिए कल से हम लोग जो है नॉनवेज यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है ये वाले मछलियाँ। इतने बड़े बड़े मछलियाँ गाइस देखिए, देखिए गाइस एकदम लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल अंदर में ये पक गया गाइस। और यहाँ पे पूरा सब्जियाँ मिक्स सब्जी पकाने की तैयारी, रात हो चुकी है दोस्तों और अभी भी सब्जियाँ वगैरह काटना पूरा जारी है। देखिए गाइस जा रहे हैं, पूरे आसमान में काफी खूबसूरत लग रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उठ के एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है दोस्तों। और सूरज को देखिए अभी जस्ट निकल ही रहा है, अभी 5 बजे। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है बहुत ही जल्दी उगता है, लगभग 3:30 या 4 बजे तक मतलब सूरज निकल जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला जो सनराइज होता है वो हमें ही देखने को मिलता है और सबसे पहला सनसेट भी हमें ही देखने को मिलता है। जल्दी सूरज उगता भी है और जल्दी डूबता भी है। तो आज जो है मामा जी का जो पूजा वगैरह होगा ना, जो कैंडल जलाने वाला 1000 कैंडल आज जलाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, तो आज बहुत सारे काम होंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी उठ गए हैं। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं जाऊंगा मामा जी के वहां पे हेल्प करने के लिए। तो अभी जो है फ्रेश अप हो लेते हैं और हम लोग का छोटा सा प्यारा सा घर देखिए दोस्तों, और ऊपर में चंदा मामा देखिए एकदम छोटा सा क्यूट सा दिख रहा है। सुबह सुबह मम्मी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे बर्तन वगैरह की साफ सफाई कर रही है और हम लोग का गाउच्चे भी पूरा घूम रहा है, फिर रहा है, दोनों मिलके पूरा घूमते हैं। ये देखो इसका दोस्त, इसका बड़ा भैया। हम लोग का मैडम जाग चुकी है, ये देखो वाह एक्सरसाइज कर रही है। गाउच्चे दोनों तुम भी करो एक्सरसाइज देखो। लाल पड़ गई चेहरा। तो मैंने फ्रेश अप भी हो लिया है दोस्तों, और सुबह सुबह यहाँ पे दो दो क्यूटीज पहुंच चुके हैं। ये देखो मिस्टर अभियान पूरा हीरो, और यहाँ पे मिस मायरा, मायरा पूरा जो है भगवान को देख के यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। देखो ओ प्रार्थना कर रहा है, देखिए गाइस प्रार्थना कर रहे हो। Hey, मिस्टर स्माइली, मिस्टर स्माइली, मिस्टर स्माइली, ये देखो फिर से पूजा, आजू पूजा, देखो पूजा कर रहा है सुबह सुबह मिस मायरा। यहाँ पे जेरी को देखिए दोस्तों, सुबह सुबह खाना बनाने में लग चुकी है। एक्चुअली आज जो हम लोग का मंदिर में भी डोनेट करना होता है, महीने में एक बार हम लोग जो फूड डोनेट करते हैं मंदिर में, तो वो टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने सुबह सुबह पूरा खुशबूदार वाले पट्टे जंगल से लाया जाता है, ये तो मार्केट में बेचते वहां से लेके आई है, पूरा खुशबू होती है गाइस, धनिया पत्ता से भी ज्यादा खुशबू इसकी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ड्राई फिश को काट दिया और ये 13 रूट्स पकाएंगे, और बैंगन भी है ना मिक्स करके पकाएंगे। यहाँ पे दीदी जो है एकदम ये तोड़ रही है, क्या कहते हैं यार खट्टे वाले पट्टे, नाम बेसिल सब रंग को कहते हैं, रोजेल हाँ रोजेल कहते हैं। मायरा भी सब्जी तोड़ रही है देखिए, वो वीर गाउच्चे को देख लिया इसने भी। ऐ गाउच्चे जा रहा है, देखो गाउच्चे मत काटो, हाँ गाउच्चे डोंट बाइट गाउच्चे। वाओ वहां पे देखिए दोस्तों क्या है, रॉकेट उड़ रहा है ना, क्या उड़ रहा है देखिए गाइस, वाओ एकदम बढ़िया से, क्या ही कूल नजारा यार, देखिए ना क्या है धुआं धुआं, शायद जेट फाइटर गया होगा पूरा सोनिक स्पीड से, सुपर सोनिक स्पीड से गया होगा, इसलिए अभी उसका धुआं लास्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए वाओ देखिए गाइस देखिए चंद्रमा के पास पहुंचने वाला है, ओह मिस कर दिया पूरा, चंद्रमा के नीचे से होके जा रहा है देखिए, वाओ वो देखिए अभी वहां पे जो है प्लेन को भी दिखाई दे रहा है फाइटर जेट। खाना पीना सब कुछ हो चुका है दोस्तों, तो अभी जाऊंगा मैं मामा जी के घर पे, जो भी काम होगा थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। वो अमित दोस्त पहुंच गया, ये देखो साथ में जाएंगे ना। अभी पहुंच गए मामा जी के घर पे, और यहाँ पे कैंडल जलाने वाला घर जो है ऑलरेडी बना दिया, देखिए भैया लोगों ने काफी खूबसूरत तरीके से, इसको जो है पहले से नहीं बना सकते, आज जलाएंगे तो आज ही बनाना पड़ता है ऐसा नियम है। तो ये देखिए काफी खूबसूरत तरीके से बना दिया है, इसमें जो है बम्बू लगा के, इसमें मिट्टी लगा के, उसमें जो है कैंडल को एक एक करके लगा के जलाना पड़ेगा, वहाँ पे बुद्ध भगवान का फोटो रहेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लोकल मछली, इतने सारे बड़े बड़े वाले, कितने है भैया कितने किलो है, 71 केजी, कितना रुपीस पर किलो, 300। अच्छा इसे ऑर्डर दिया था, हाँ जी। अच्छा तो ये जो है ऑर्डर दिया था दोस्तों, लाए हैं बहुत ही बड़े बड़े, वाओ ये
चॉकलेट मसीर कहते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े मछली ये जो है मिजोरम में भी पाए जाते हैं। अपना क्रीवा भाई के पास जब मैं गया था तो ऐसे वाले मछली पकड़ते थे, बहुत ही टेस्टी होती है ये वाले मछलियाँ। तो ये वाले जो है आप लोग को बता दो, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी का मौत हुआ है तो नॉनवेज क्यों खिलाते हैं, तो हमारे इधर में जो ऐसा ही होता है गाइस। तो मतलब जो भी लोग आते हैं उन्हें मतलब मछली हम लोग जो है फ्राई करके ये सब करके देते हैं, और कोई कोई जो मीट वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जिसका जैसा नियम जिसका जैसा देश वैसा बेस। तो कोई कोई सोच रहा होगा कि जो बहुत सारे कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं, तो अपना अपना नियम होता है दोस्तों, जो पूर्वज से फॉलो करते आ रहे हम लोग भी वही फॉलो करते हैं। तो ये देखिए लोकल मछली इतने बड़े बड़े वाले। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आए हैं गांव वाले हेल्प करने के लिए, पूरा मछलियों की साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े मछलियाँ। तो अभी हम भी हाथ बताते हैं, मैं तो दाव ही लाना भूल गया घर से, बट यहाँ पे दाव एक्स्ट्रा वगैरह दिख रहा है मुझे, तो अभी हेल्प करते है। कहाँ उधर, ओ भाई साहब पानी गिर रहा है। ये देखिए दिस इज कॉल्ड सुंदरी मांस गाइस। ये देखिए बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले भी, इतने बड़े बड़े मछलियाँ गाइस देखिए, एक से बढ़कर एक बड़ा। ये देखिए ये गोल्डन मसीर है गाइस, ये सबसे बड़ा है, ये तो एक किलो से भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह को भी रखा जा रहा है दोस्तों। इसका जो रेसिपी होता है ना ये सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये एकदम लोकल मछलियाँ हैं, कुछ भी गंदगी नहीं खाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं गाइस। ये देखिए पूरा ऑयली ऑयली एकदम, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सब्जी कटा जा रहा है। एक्चुअली जो है यहाँ पे जितने भी लोग काम करने के लिए आते हैं उनको जो है यहीं पे लंच वगैरह खिलाया जाता है, इसलिए मिक्स सब्जी पकाने के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। एकदम लोकल मछलियाँ गाइस। आप लोग के उधर में कितना है किलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे जो है 300 रुपये किलो में मिल गया दोस्तों, 380। अच्छा 380 रुपीज बोल रहे भैया। तो आप लोग का उधर में कितना है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी एकदम लोकल वाला गाइस, पूरा नदी से उठा के ताजा ताजा वाला, कम से कम 1000 रुपये तो होगा ही मुझे लगता है। अभी जितने भी मछलियों को साफ सफाई किया दोस्तों, अभी उसको जो है पीस पीस करेंगे, क्योंकि फ्राई करने के लिए एक जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा ऐसे बिल्कुल। इतने सारे मछलियाँ देखिए गाइस, ये देखिए, हेलो गाइस। कम ऑन काटो, मछलियों की साफ सफाई तो हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जो है मछलियों को फ्राई किया जाएगा, उसके लिए चूल्हा बनाने के लिए जो है तैयारी की जा रही है, और यहाँ पे मिक्स सब्जी जो भी काम करने के लिए आए हैं उनको खिलाने के लिए मिक्स सब्जी पकाया जा रहा है। ये देखिए सब कुछ दे दिया इसमें, अभी पकाने के लिए तैयार। और अभी कुछ कुछ हिस्से मछलियाँ जो है छोटे छोटे वाले बच्चे हैं, तो उनको लास्ट तक जो है सफाई किया जा रहा है। ये देखिए जो बड़े वाले हैं वो तो सफाई हो चुके हैं, यहाँ पे है रेडी। ये देखिए बहुत सारे, और एक बार वॉशिंग करना पड़ेगा। देखते ही देखते पूरा चूल्हा तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लकड़ियों से एकदम आग जला के पूरा पकाने का काम जो है वो चलेगा। वहाँ घर से दूर दोस्तों यहाँ छाए पे जो है सारी नारी शक्ति जो है यहाँ पे पूरा सुपारी को छील रहे। देखिए तामुल, नारी शक्ति तामुल शेलिया से तामुल, तामुल खावो, तामुल खावो लो बाल। ये देखिए सभी लोग को देखिए गाइस, यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया, देखिए वाओ इतना मोटा है। हर तरफ में काम जो है डिवाइड हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सब लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सजाया जा रहा है एकदम रंगीले कपड़ों से, और ये देखो अपना अमित दोस्त भी हेल्प कर रहा है, सबका अपना अपना काम। ये देखिए इधर में जो है भैया यहाँ पे गम लगा रहे हैं एकदम, वो भी लोकल वाला गम, चावल से बनाया गया है।
यहाँ पे जो चावल को निकाला था दोस्तों, उसको जो है पैकिंग किया जा रहा है। अभी पट्टे में देखिए कैसे पैकिंग करते हैं। तो हमारे जो भी मतलब जिस प्रकार का भी फंक्शन, पूजा कुछ भी होता है ना, हम लोग ऐसे ही जो है पट्टे में पैकिंग करके लोगों को खिलाते हैं। देखिए जिसे कहते हैं हम लोग बात मोजा, एकदम गोल करते हैं। वाह, ये देखिए तरीका, देखिए गाइस कैसे फोल्डिंग करते हैं, सबसे वाह बेस्ट एकदम। यहाँ पे आग भी एकदम बबूला हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो अभी मछली को फ्राई करेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा घर। एक्चुअली जो है जो फ्लाइंग लैंटर्न है ना, जो पापा के पूजा के टाइम में भी उड़ाए थे, तो वो चाहिए, तो यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए जाना पड़ेगा अभी हमें ढूंढने के लिए। मार्केट में शायद मिल जाए तो अच्छी बात है। रात को जो है फ्लाइंग लैंटर्न भी कुछ उड़ाएंगे हम लोग। वाओ, अभी मैं और भैया जा रहे हैं दोस्तों चौकम में। वहाँ पे जाके हम लोग जो फ्लाइंग लैंटर्न्स है वो ढूंढेंगे, अगर मिलता है तो जरूर से लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग आए हैं गांव की दुकान पे। यहाँ से जो हम छाता लेके जा रहे हैं, एक्चुअली छाता जो है जो लाया था तिनसुकिया से वो कम पड़ गया, तो यहाँ से चार तो फिर से हम लोग लेके जाएंगे। एंड उसके बाद अभी जाएंगे हम लोग जो है गुनानगर में, वहाँ से ढूंढेंगे फ्लाइंग लैंटर्न्स। मार्केट में पूरा शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों, मैं पूरा विदाउट फ्रेशअप आया था, पूरा बाल भी क्या हो गया देखो। तो जो फ्लाइंग लैंटर्न्स थे ना, वो जो है दायुन से ला रहा है कोई, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो है जो भी अलग मतलब चीजें है शॉपिंग करना है, तो वही ले रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी मामा जी के घर पे। यहाँ पे देखिए पेंडल का डेकोरेशन पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, और यहाँ पे बैलून्स वगैरह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा अभी देखते ही देखते। अभी भी मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम घर पे जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है यार। यहाँ पे मछली फ्राई अभी भी चल रहा है, ये देखिए गाइस, वाओ मछली यहाँ पे, अरे बहुत ज्यादा बचा हुआ है अभी तो। यहाँ पे देखिए मछली फ्राई एकदम लोकल, और यहाँ पे खाने का कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमें भी खाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पूरा स्वीट बनाने के लिए तैयार है, नारियल और स्वीट स्टिकी राइस के साथ ट्रेडिशनल बिस्किट बनाया जाएगा। अभी दीदी और भाभी मिलके बना रहे हैं। और यहाँ पे पानी पिलाने के लिए पूरा बोतलों में भर भर के रखा गया है, देखिए दोस्तों एकदम यहाँ से फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर हम लोग पीते हैं। और देखिए गाइस चीनी नारियल नमक सब मिला दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे लंच कर लेते हैं दोस्तों, मिक्स सब्जी एंड ये जो मछलियों के इंटेस्टाइन है उसका रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। तो अभी फटाफट से लंच भी कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे देखिए भाभी लोग दीदी लोग मिल के पूरा बिस्किट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ट्रेडिशनल बिस्किट कल मतलब सबको खिलाएंगे, सबको खाने मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बिस्किट वगैरह बनाए थे उसको जो स्टीम में दे दिया है पकने के लिए, और यहाँ पे मछली फ्राई अभी भी जारी है, देखिए वाओ एकदम बढ़िया मछली फ्राई। देखिएगा गर्मी है, ज्यादा गर्म है। ओ ये देखिए गाइस एकदम लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल, ओ ये देखिए पक गया, ये देखिए अंदर में, ये देखिए पक गया गाइस, ये देखिए। और यहाँ पे पूरा सब्जियां मिक्स सब्जी पकाने की तैयारी दोस्तों। यहाँ पे जंगली वाला बम्बू सूट देखिए, और यहाँ पे हम लोग का फेवरेट वाला ड्राई फिश पूरा कटाई चल रहा है देखिए। तो लोकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक वाला बिस्कुट जो है पक्के हो चुका है तैयार, तो इसे निकाल दिया। वाह इसे जो है आज तो खा नहीं पाएंगे, कल पूजा वूजा करने के बाद ही खा पाएंगे, बट खाने का तो मन बहुत कर रहा है देखिए। वाह बहुत ही टेस्टी होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से सामान आ पहुंचा है, बिल्कुल ऑल द वे फ्रॉम जंगल से लाया गया है। यहाँ पे पत्ते और सब्जियां बहुत सारी देखिए, बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों, और अभी भी सब्जियां वगैरह काटना पूरा जारी है, क्योंकि कल सुबह एकदम सवेरे पकाना पड़ेगा। सुबह उठ के 2-3 बजे उठ के जो है पकाने का काम शुरू करना पड़ेगा, बहुत सारा खाना वगैरह पकाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सारी सब्जियां रेडी है, यहाँ पे बम्बू सूट देखिए, हम लोग का नोटिस में आने से आप लोग को बम्बू सूट ही मिलेगा। आप लोग को हर फेस्टिवल मतलब हर तरह के प्रोग्राम में आपको जो है बम्बू सूट का सब्जी जरूर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं, दिस इज बेट मेरा फेवरेट वाला सब्जी, आप लोग को तो मालूम ही होगा, और ये जंगल में ही पाया जाता है। ये भी सब्जी है दोस्तों, एक बहुत बड़ा सा पेड़, मैंने आप लोग को इसके बारे में भी वीडियो बना के दिखाया था। ये वाला पेड़ होता है तो उसके अंदर में जो होता है उसको पका के खाते हैं हम लोग, और यहाँ पे पकाने का काम पूरा जारी है जोरों शोरों से। और मछलियाँ इतने ज़्यादा है ना, अभी तक फ्राई हो रहे हैं, देखो कम्प्लीट हो ही नहीं रहे देखिए। अभी जो है दोस्तों यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने जा रहा है, जो रात का पूजा है वो।
एक तरफ में पूजा चल रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ में यहाँ पे चावल पकाने का काम चल रहा है। स्टीम में पकाने का जो तरीका है दोस्तों, बीच बीच में गर्म पानी डालना ही पड़ता है। ये देखिए, वाह, पूरा भाप एकदम आ रहा है। तो पूजा वगैरह सब समाप्त होने के बाद दोस्तों, जो आखिरी प्रोग्राम होता है वो ये होता है, मेन प्रोग्राम। इसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ कैंडल जलाया जाता है सभी गांव वालों की तरफ से, और सबसे पहले जो है फैमिली मेंबर जलाता है, उसके बाद गांव वाले। तो मैंने भी जला दिया है, और यहां जलाने के बाद जो है उनकी आत्मा की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं यहां पे सभी लोग। अभी गाइस जो है फ्लाइंग लैंटर्न्स उड़ाने का टाइम है, वहां पे ऑलरेडी दो उड़ा दिया है, और यहां पे अभी शुरू कर रहे हैं सभी लोग, यहां पे मिलके उड़ाएंगे। मैं भी एक उड़ाऊंगा, ये देखिए देखिए गाइस जा रहे हैं, पूरे आसमान में काफी खूबसूरत लग रहे हैं अभी फ्लाइंग लैंटर्न्स। वाओ, लास्ट वाला मैंने उड़ाया है दोस्तों, देखिए एकदम बढ़िया से उड़ रहा है अभी आसमान की ऊंचाइयों पे। वाओ, बढ़िया से जा रहा है गाइस। जितने भी उड़ाए सभी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से उड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया संकेत है गॉड की तरफ से। तो पूजा वगैरह तो खत्म हो चुका है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है यहाँ पे खाना वाना दिया जाएगा, और उसके बाद कल सुबह पूरा एकदम सुबह सुबह आना पड़ेगा काम में, उसके बाद कल जो है मेन प्रोग्राम होगा। ये देखो, हाँ ठीक है, बैठते हैं सभी लोग यहाँ पे। बावी लोग, जेरी लोग बैठ चुके हैं, और भैया लोग चावल वगैरह दे रहे हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं। मुझे भी भूख लग रहा है, तो हेल्प तो कर दिया बहुत, तो अभी बैठ के हम लोग खाना वाना खाते हैं। यहाँ पे खाना आ चुका है दोस्तों, सभी लोग जो यहाँ पे पट्टे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एकदम जो है नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, नो पोल्यूशन। ये देखिए सभी लोग यहाँ देखिए दोस्तों, मिक्स सब्जी पूरा बम्बू सूती बम्बू सूत देखो खा रहे हैं हम लोग। ये देखो हमें दोस्त का थाली पूरा बम्बू सूत देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आज शाम को जो है नॉन वेज यूज नहीं करते हैं, कल से जो है, यानी कि आप लोग को बता दिया ना, एक हफ्ता तक जो हम लोग जो है वो नॉन वेज कुछ भी नहीं खाते, तो आज जो एक हफ्ता कम्प्लीट होने वाला है, इसलिए कल से हम लोग जो है नॉन वेज यूज कर सकते हैं, तो इसलिए कल जो है नॉन वेज दिया जाएगा सभी को। अभी हम घर भी आ गए दोस्तों, काफी रात हो चुकी है, तो सोना भी पड़ेगा क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है हमें, एकदम 2-3 बजे उठ के जो है मामा जी के घर पे जाना है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, कल का वेट कीजिएगा, कल कैसे प्रोग्राम क्या होगा सब कुछ मैं दिखाऊंगा, अपना जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग कैसे करते हैं पूजा वगैरह, तो आप लोग देखने के लिए रेडी रहना। तो बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए ब्लॉग के साथ।